नमस्कार दोस्तों, डियर मैथमेटिशियन आपका स्वागत है। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्लास नाइन्थ के एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 है और चैप्टर का नाम है बहुपद। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। यहाँ देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यहाँ देखिए क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ये सब जो व्यंजक दिया गया है तो उन सब व्यंजकों में जो है कौन जो है एक चर में बहुपद है। यहाँ देखिए यहाँ पर यह समझने वाला बात है कि कौन जो है एक चर में बहुपद है। एक चर मतलब क्या हुआ कि वैसा बहुपद जिसका जो चर है वो क्या हो, तो एक ही हो। जैसे यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है, 4x² है माइनस 3x है और प्लस क्या हो यहाँ पर 7x⁻⁰ है। तो इस व्यंजक का सभी पद जो है किस में है, तो एक ही चर में है। कौन सा चर में, तो x के चर में है। इसी के साथ जो है क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कि यहाँ पर क्या है, x⁻⁰ है प्लस y³ है और प्लस t⁻⁵० है, मतलब 50 है। तो ये बहुपद तो है लेकिन तीन पदों में बहुपद है। क्वेश्चन के अनुसार जो है हमें वैसा बहुपद चाहिए जिसका चर जो है एक ही हो, मतलब वो जो है एक ही चर में हो। वैसा बहुपद जो है ढूंढना है इन पांचों में। और उसी के साथ जो है क्वेश्चन बोला गया कि कारण के साथ जो है अपने उत्तर दीजिए, मतलब ये अगर बहुपद है तो किस कारण से बहुपद है ये भी जो है लिखना पड़ेगा। तो चलिए एक एक करके बनाते हैं। यहाँ देखिए हल एक में जो है जो व्यंजक दिया गया इसको लिख लेते हैं। तो दिया गया व्यंजक बराबर क्या है, तो 4x² माइनस 3x प्लस 7। यहाँ देखिए इसी को जो है लिख सकते हैं कि 4x² माइनस 3x प्लस 7x⁻⁰। यहाँ देखिए x⁻⁰ क्या होता है, तो 1 होता है। अब यहाँ देखिए इस व्यंजक का जो सभी पद है, मतलब 4x² माइनस 3x प्लस 7x⁻⁰, उन सब पदों का जो चर है वो क्या है, तो एक ही है। मतलब इसका भी x है, इसका भी x है और इसका भी x ही है। अब देखिए किसी भी व्यंजक का चर जो है समान रहने से वो बहुपद नहीं बन जाता है, उसके साथ साथ जो है उसका पावर भी देखना पड़ता है। तो यहाँ देखिए x⁻² जो 2 है वो क्या है, तो पूर्ण संख्या है। इसी के साथ जो है x⁻⁰ क्या है, तो पूर्ण संख्या है, और x⁻⁰ क्या है, तो पूर्ण संख्या है। तो इसका मतलब जो है ये क्या है, तो बहुपद है। तो इसको लिख लेते हैं कि यहाँ दिए हुए व्यंजक के चर x के घात क्या है, तो अऋणात्मक है, अऋणात्मक पूर्णांक है। अऋणात्मक पूर्णांक क्या क्या है, तो 2.1.0 है। यहाँ देखिए अऋणात्मक पूर्णांक मतलब क्या होता है, तो पूर्ण संख्या होता है। मतलब अऋणात्मक पूर्णांक को हम पूर्ण संख्या बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इसको फाइनली लिख सकते हैं कि अतः 4x² माइनस 3x प्लस 7 चर x में एक बहुपद है। तो ये जो है अपना आंसर आ गया। अब चलिए इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो दिया गया व्यंजक है इसको पहले लिख लेते हैं। तो दिया गया व्यंजक बराबर क्या है, तो y² + √2। अब इसको जो है लिख सकते हैं कि y² + √2 × y⁴। अब यहाँ देखिए इस व्यंजक का जो पद है, मतलब हर एक पद है उसका चर क्या है, तो y है। और उस चरों का जो पावर है, मतलब घात है, वो क्या है, तो पूर्ण संख्या है। यहाँ देखिए y का जो पावर है वो क्या है, तो 2 है। तो 2 क्या है, पूर्ण संख्या है। उसी तरह से जो है इस पद में देखिए y⁻⁴ क्या है, 0 है। और 0 क्या है, तो पूर्ण संख्या है। तो ये जो है क्या है, तो एक बहुपद है। तो इसको लिख सकते हैं कि यहां दिए हुए व्यंजक के चर y⁻ अऋणात्मक पूर्णांक क्या क्या है, तो 2 तथा 0 है। तो इसको जो है फाइनली लिख सकते हैं कि अतः y² + √2 चर y में
एक बहुपद है। तो ये जो है अपना आंसर आ गया। इसी तरह से जो है अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में जो व्यंजक दिया गया इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो दिया गया व्यंजक बराबर क्या है, तो 3√t प्लस t√2। अब यहाँ देखिए इसको जो है लिख सकते हैं कि 3 × t^2, यहाँ देखिए रूट को जो है लिख सकते हैं 1/2 t^2 प्लस √2 × t। अब यहाँ देखिए इस व्यंजक का जो हर एक पद है उसका चर क्या है, तो t है। मतलब ये व्यंजक जो है एक ही चर में है, और उसके साथ साथ जो है बहुपद होने के लिए जो है एक और कंडीशन फॉलो करना पड़ता है। दूसरा कंडीशन क्या है, तो उसका जो पावर है वो क्या होना चाहिए, तो अऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए, मतलब पूर्ण संख्या होना चाहिए। और ये 1/2 जो है पूर्ण संख्या नहीं है, ये जो है परिमेय संख्या है या फिर भिन्न है, तो 1/2 जो है पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये जो है बहुपद नहीं होगा। तो इसको जो लिख लेते हैं कि यहां दिए हुए व्यंजक के चर t^t क्या क्या है, तो 1/2 तथा 1 है, और 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, और ऋणात्मक पूर्णांक को ही जो है हम लोग क्या बोलते हैं, तो पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो ये 1/2 जो है पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसको जो है लिख सकते हैं फाइनली, अतः 3√t प्लस t√2 चर t में बहुपद नहीं है। तो ये जो है अपना आंसर आ गया। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए जो व्यंजक दिया गया इसके ऊपर हम लोग लिख लेते हैं। तो ये देखिए दिया गया व्यंजक बराबर क्या दिया गया है, तो y+2/y। अब देखिए इसको जो लिख सकते हैं कि y+2 × y^-1, 1/y को जो है क्या लिखेंगे, तो y^-1। अब यहाँ देखिए ये जो है एक ही चर में है, ये व्यंजक जो है एक ही चर में है, लेकिन इस व्यंजक के हर एक पद का जो चर है उसका पावर जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ देखिए इसका पावर जो है पूर्ण संख्या है, लेकिन इसका पावर जो है पूर्ण संख्या नहीं है, -1 जो है पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, ये जो है एक ऋणात्मक पूर्णांक है, तो ये जो है बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ दिए हुए व्यंजक के चर y^ क्या क्या है, तो 1 और -1 है, लेकिन -1 पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसको जो है फाइनली हम लोग लिख सकते हैं कि अतः y+2/y चर y में बहुपद नहीं है। अब चलिए इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो व्यंजक दिया गया इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो दिया गया व्यंजक बराबर x^10 प्लस y³ प्लस t^50। अब यहाँ देखिए इस व्यंजक का जो हर एक पद है वो जो है अलग अलग चर में है, मतलब इस पद का जो चर है वो क्या है, x है, इस पद का चर y है, और इस पद का चर जो है t है। ये जो है तीन पद में जो है बहुपद है, लेकिन ये जो है एक चर में बहुपद नहीं है। तो इसको लिख सकते हैं कि यहाँ दिए हुए व्यंजक तीन चरों में है, तीन चरों
एक्स कॉमा वाई तथा टी में है और एक्स कॉमा वाई तथा टी के घात क्या क्या है, तो 10.3 तथा कितना है, तो 50 है तथा 50 है। ये जो है तीन चर में बहुपद है लेकिन एक चर में जो है बहुपद नहीं है, तो इसको लिख सकते हैं कि अतः ये व्यंजक तीन चरों में बहुपद है लेकिन एक चर में बहुपद नहीं है। यहाँ देखिए क्वेश्चन में जो है साफ साफ लिखा गया है कि कौन कौन जो है एक चर में बहुपद है। यहाँ देखिए इसमें जो है केवल एक ही चर नहीं है, x भी है, y भी है और t भी है, तो इसीलिए जो है ये तीन चर में तो बहुपद है लेकिन एक चर में जो है बहुपद नहीं है, इसमें जो है अलग अलग चर है, तो ये जो है एक चर में बहुपद नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, नहीं होगा। ये भी जो है बहुपद नहीं है तो इसका भी आंसर नहीं होगा। जो एक चर में बहुपद होगा उसका आंसर हाँ होगा, और जो एक चर में बहुपद नहीं होगा उसका आंसर नहीं होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो है इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। तो अभी के लिए इतना ही, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।